तो मैं आज आपको प्लाज्मा और सेरम के बारे में बताने वाला हूँ। प्लाज्मा को जानने के लिए सबसे पहले आपको कंपोजिशन ऑफ ब्लड जानना होगा। ब्लड में दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% पार्ट होता है और दूसरा प्लाज्मा 55% पार्ट होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 99% RBC होता है और 1% WBC और प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा में वाटर है, प्रोटीन्स है और अदर सॉल्यूट्स है। प्रोटीन्स में 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन का फंक्शन होता है ऑस्मोटिक बैलेंस, ग्लोबुलिन इज फॉर डिफेंस मैकेनिज्म, एंटीबॉडीज भी बोलते हैं, और फाइब्रिनोजन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। अगर हमने प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर्स रिमूव कर दिया देन इट इज कॉल्ड सेरम। अगर हम एक ब्लड सैंपल को लेते हैं टेस्ट ट्यूब में एंड इट इज प्लेस्ड इन अ सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब, तो हम क्या देखते हैं, RBC नीचे की ओर सेटल डाउन हो जाता है क्योंकि RBC की डेंसिटी ज़्यादा है और प्लाज्मा सुपर नेटेंट लेयर का फॉर्मेशन करता है बिकॉज इट्स डेंसिटी इज लेसर। और RBC और प्लाज्मा के बीच एक बफी कोट फॉर्म होती है और उसका नाम होता है WBC और प्लेटलेट्स।